दुल्हन की डोली लाने लग गई है यहाँ पे। दूल्हे राजा बैठ गए हैं मंडप पे और अब दुल्हन का इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर में शादी की रस्में होंगी। अब हमारी शादी के ना रीति रिवाज ही कुछ अलग होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा अलग होते हैं। तो आप लोग इंजॉय कीजिए पहाड़ी शादी, पहाड़ी रस्म रिवाज का। सारे गांव की महिलाएं बैठ गई हैं। और यहीं पे होगी अभी शादी। तो दूल्हे राजा आ गए हैं, अब दुल्हन का हो रहा है इंतजार, फिर थोड़ी देर में होंगी शादी की रस्म। तो दुल्हन के पापा आगे से दिया लेके आ रहे हैं, फिर पंडित जी और दुल्हन को ना ऐसे पिछौड़े में ढकते हुए लाएंगे। तो दुल्हन की मम्मी और दुल्हन की चाची दुल्हन को ला गए हैं शादी के लिए। अपना फलों की टोकरी देने लगे हैं दूल्हा पक्ष दुल्हन को और दुल्हन पक्ष दूल्हे को। ब्योरी गिटार है और इसमें ना दुल्हन की सारा आइटम रहता है, सारे श्रृंगार का सामान सब चीज इसमें रहता है। अभी ना दूल्हे पक्ष को चिढ़ाने वाले गीत गा रहे हैं महिलाएं सभी। शगुन के रूप में ना दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष को सामान देता है और दुल्हन पक्ष दूल्हे पक्ष को सामान देते हैं। तो वही चीजें अभी यहाँ पे हो रही हैं। ये समदेन समदेन जो अभी टेढ़े हो चुके हैं। तो ना पंडित जी ने बना लिया है अंजल का कपड़ा जो कि पीले में होता है और बहुत लंबा होता है, तो दुल्हन के सर पे बांधा जाता है और दूल्हा उसको पकड़ के चलते हैं। और मेरी बुड्ढी वाली भाभी दूल्हे पक्ष से दुल्हन के लिए जो जो जेवर आया है वो अब दुल्हन पहनने लग गई। Thank you.
चावल ना तो अभी सिर्फ एक कपड़ा छुआते हैं, बाकी सभी बॉक्स में रख देंगे और दुल्हन फिर वहाँ जाके बाद में पहनेगी। हाँ दस्तूर हुआ भरा अभी तुम्हें हाँ भरा ही दुल्हन की चाची अभी दुल्हन को जेवर पहनाने लगे हैं। तो अभी ना दूल्हे के वहाँ से जो जो आता है जेवर वो पहनाया जाता है और दुल्हन के वहाँ से भी जो जो जेवर है वो सारा जेवर अभी पहनाया जाता है। और मेरी भाभी ना आनंदित होके देख रही है बारात और साथ में मेरी चाची भी। शादी छो पहली पहली और सबको मोबाइल कस लग्न पनि पुगे हल लग्न झाडू पहिन जा और सब चाची अभी क्या कर रहे हैं आप वहाँ गोलो धार दिनी तो गोलो धार दिनी भाई बाद में बजे फिर वार सभी जानी दीदी। अच्छा কন্যাদান হবে মা বাবু হাতে আশীর্বাদ দেন মা বাবু হাতে কাম হবই দেখেনি ভাই। देखो चाची ने कितना अच्छा बताया ना, हम तो ऐसी शादियाँ देखते थे लेकिन हमें इतना पता नहीं था कि गड़वे की धार का क्या मतलब होता है और दुल्हन के जो मम्मी पापा है ना वो आँचो नहीं देखते, जो शादी होती है उसके बाद नहीं देखते। सारी चीज़ें ना हम नए लोग नहीं जानते लेकिन हम पुराने लोगों से ना बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक और गाना पकड़ के हाथ का अंगूठा हो तो उगले बहनी नहीं बेल। अच्छा पानी मिलाना अंचल का खबर ये
जाओ मुकुटा पहनाने लगे हैं मुकुट में पंडित जी टीका लगाने लगे हैं पहनाया जाएगा मुकुट जो कि शादी में जब मुकुट लेके दोनों को ना एक राजा और रानी की उपाधि दी जाती है और जो मुकुट से ना बहुत अच्छी सुशोभित होती है दिल्ली वाले है ना तो दिल्ली वाले इनसे लड़ाई करते हैं अभी सोना में मारा नहीं आई करते अभी दुल्हन को ना अब दूल्हे को सौंपने लग गए हैं उनके मम्मी पापा उस साइड को ला रहे हैं रुला देने वाला होता है जब अपने कलेजे के टुकड़े होना हो तो हम जा रहे हैं सब लोग हम जा रहे हैं
लेने के साथ केरे लेने के लिए तैयारी होने लगी है और यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित की जाएगी थोड़ी देर में और फिर सात फेरे होंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉक में। तो अभी चचा चाची भी देने लगे आशीर्वाद। चाची तो देख सकते होंगे शादी सिर्फ आने लगे हैं दूल्हा पक्ष वाले जो है ना, दुल्हन पक्ष वाले को देख रहे हैं, तो फिर सब में बढ़ती है वाली मिठाई। जनता मुंबई सब मुंबई लागे जनता मुंबई सब मुंबई लागे सात फेरों की तैयारी हो रही है और दुल्हन के जो भाई है ना वो देते हैं छोटे से सूपे में खिले और फिर उन खिलों को फेंकते फेंकते दुल्हन अग्नि के कर लेती है सात फेरे। अब भैया देने लगे हैं खिले और अब सात फेरों की होने लगी है तैयारी। वालों ने ना गाना कहे के पैसे लेते हैं, अब उनको सारे जितने भी दुल्हन की सखियां हैं जिस जिसने गाने कहे उनको बांटते हैं। पैसे मांगे दिल खोल के दिए फिर भी कम पड़ गए मेरे। मारते मारते थक गए अब कितने दिन को कम पड़ गए ना उनके लिए वो सब सखियां खुश हो गए हैं। जवाब मल्ली था भरत था मांग और अपने
एक दूसरे को ना अपना जूठा खिला रहे मैं कह रहा हूँ ना एक रुपया देंगे मैं जहाँ डाल मान रहा हूँ विदाई होने लगी है दुल्हन की और जो आँचे पर रखते हैं साथ में सात लोग हैं वो उनके सर पे चावल रख के आशीर्वाद देते हैं पांच बार तो वो चीजें यहाँ पे होने लगी हैं दिल मेरे लगते थे राते सारी उठ उठ जगते थे दिल।
तुझे कहता हूँ ना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। लुप छुप ना जाओ जी, मन गीत कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। आज दिन चढ़िया तेरे नाम दावी, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। चिट्टा कुकड़ तो जीना है तेरे लिए।
हिस्सा है तू अब तो मेरे। तो अब आ गई हूँ मैं घर और यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोग मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके।